नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कोड़ा। आजकल आपने सुना होगा कि फलाने फलाने को क्रोन्स डिजीज़ हुआ, तो आपको ये प्रश्न होगा कि भाई ये क्रोन्स डिजीज़ कहाँ से आया। आते कि टीबी के बारे में सुना था, अल्सर के बारे में सुना था और कोलोन कैंसर के बारे में सुना था, तो ये क्रोन्स डिजीज़ है क्या? तो क्रोन्स डिजीज़ एक आंते का रोग है ज़्यादा तक, लेकिन वो पाचन तंत्र के किसी भी भाग में हो सकता है और जोड़ों में भी वो असर कर सकता है, रीढ़ की हड्डी में भी असर कर सकता है, आँखें का भी पर भी असर कर सकता है और चमड़ी पर भी रैशेस कर सकता है। तो ऐसे तो ये काफ़ी फैला हुआ रोग है, लेकिन ज़्यादा तक वो आंते पर असर करता है और वो भी छोटी आंत के अंतिम भाग में इसके छाले होते हैं, उसका ये प्रभाव रहता है। और दूसरा सवाल आपका ये होगा कि क्रोन्स डिजीज होता क्यों है और क्या ये पहले था कि नहीं। तो जवाब ये है कि भाई क्रोन्स डिजीज शायद पहले भी होगा, लेकिन उस वक्त इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, इसकी इतनी जानकारी भी नहीं थी, तो हो सकता है कि कुछ रोग जो क्रोन्स थे वास्तव में वो किसी और तरह निदान होए गए और ऐसे वैसे कोई ट्रीटमेंट भी हुई। तो क्रोन्स डिजीज यहाँ होता है, ऐसे होता है। कारण क्या है होने का? तो कम से कम बच्चों में तो हम ये जानते हैं कि भाई जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी, वो कम हो जाने से इन्फेक्शन होता है, सूजन होती है पहले। अगर वो किसी तरह कंट्रोल में नहीं आई तो फिर उसमें से छोटे छाले पड़ते हैं, जैसे मुंह में छोटे छोटे छाले पड़ते हैं उस तरह से, या तो फिर वो छोटे छाले इकट्ठे होकर बड़े छाले हो जाते हैं, खून बहता है। और अगर ये रोग आगे बढ़ा तो वो सूजन बाहर भी फैल सकती है, नज़दीक की अवयव में ये पहुंच सकता है और उसका कनेक्शन हो सकता है, जिसको हम फिस्टुला कहते हैं। तो ये भी हो सकता है अगर बाहर नहीं निकला चमड़ी से या तो किसी अवयव में नहीं खुला, तो ये एब्सेस भी कर सकता है, जहां एक जगह पर पसिफ इकट्ठा हो जाता है। तो ज़्यादा तक ये इम्यूनिटी का कम होना आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता है और क्रोन्स डिजीज होता है। वो ज़्यादा तक कहाँ होता है क्रोन्स डिजीज? तो जैसे कहा कि छोटी आँत के अंतिम भाग में ये ज़्यादा होता है, लेकिन छोटी आँत में कहीं भी हो सकता है, बड़ी आँत में भी हो सकता है, मलद्वार के आसपास भी हो सकता है, हुजरी में भी हो सकता है, पेट में और मुँह में छाले भी पड़ सकते हैं। इसके आगे जाके वो जोड़ों में सूजन करता है, जोड़ों में दर्द करता है, आंखें लाल हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है। तो ये सब जगह है जहां आपका क्रोन्स फैल सकता है। अगला सवाल शायद आपका ये होगा कि ये क्रोन्स डिजीज के लक्षण क्या होते हैं। तो जवाब ये है कि शुरू शुरू में लक्षण काफ़ी अस्पष्ट होते हैं, पेट में दर्द होना, और चूंकि ये छोटी आंत के अंतिम भाग में है तो दाई साइड पर नीचे के हिस्से में जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है वहाँ पेट में आपको दर्द होता है, दस्ते लगती है, संभव है कि उल्टी भी हो सकती है, भूख नहीं लगती, वजन कम होता है, खून कम हो जाता है। तो ये छोटी आंत के अंतिम भाग के लक्षण है। ज़्यादा तक यही लक्षण छोटी आंत में कहीं भी है तो भी हो सकता है। और टीबी, आंते का टीबी जो भी छोटी आंत के अंतिम भाग में होता है, इससे क्रोन्स डिजीज इस तरह अलग पड़ता है कि क्रोन्स डिजीज ज़्यादा तक पेट में एक साथ कई जगह पर होता हो सकता है और पेट के बाहर भी साथ साथ हो सकता है, और टीबी जो है वो ज़्यादा तक एक ही जगह पर होता है और उसमें आपकी बुखार आना है, वजन कम होना है, भूख नहीं लगती है, और 25% लोगों में छाती में भी टीबी हो सकता है। तो जो हमारे देश में टीबी काफ़ी कॉमन है,
वहाँ कई बार क्रोन्स को आते के टीबी से अलग करना बहुत मुश्किल होता है, और आप इसका उपयोग कर सकते हो जो अलग अलग मैंने कहे टीबी और क्रोन्स के बीच के डिफरेंस, लेकिन कई बार ये नामुमकिन होता है कि ये टीबी है कि क्रोन्स है वो असमन जिसमें आप रहते हो, इसके बारे में आगे जांच करेंगे। अभी आपको ये भी होगा कि इसका निदान कैसे किया जाता है, तो छोटे मोटे ब्लड टेस्ट में सूजन आ जाती है, प्रोटीन कम हो सकता है, खून कम हो सकता है, लेकिन उससे आगे जाकर आपको सोनोग्राफी से पता चल सकता है प्राथमिक स्वरूप से कि छोटी आंत के आसपास सूजन है और सिकुड़ भी गया है, छोटी आंत में कहीं और भी सूजन दिखाई पड़ती है, बड़ी आंत में भी सूजन दिखाई पड़ सकती है, तो आप सोनोग्राफी करवा सकते हो। उससे ज़्यादा स्पष्ट आपको सीटी स्कैन से भी मिल सकती है, लेकिन दोनों का लिमिटेशन ये है कि इससे आप 100% नहीं कह सकते हो कि क्रॉन्स है कि नहीं। तो मलद्वार से की जाती हुई एंडोस्कोपी है जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, उससे आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ ये सूजन है और बायोप्सी ले सकते हो। बायोप्सी लेने पर भी कई बार टीबी है या कौन से कहना मुश्किल है, और टीबी का कीटाणु नहीं है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट तो है क्रोन्स का निदान करना, लेकिन आपके अनुभव से और मरीज की हिस्ट्री से आप कह सकते हो कि ये टीबी नहीं हो सकता, ये क्रोन्स हो सकता है, तो ये निदान करने का एक रास्ता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप अलग नहीं कर सकते हो तो सपोर्टिंग टेस्ट करो जो एस का है, एन का है और पी एन का है, लेकिन मेरे अनुभव में ये टेस्ट सपोर्टिव ही है और वो कोई गारंटी नहीं देते कि आप इस क्रोन्स को टीबी से अलग कर पाओगे ये टेस्ट पॉजिटिव आने पर, तो हमारे लिए वो नो गो एरिया है कि भाई हम ज़्यादा इसमें पढ़ते नहीं हैं, आपको आपके अनुभव का उपयोग करना पड़ता है। क्रोन्स की सारवार कैसे हो जाती है, तो क्रोन्स कहाँ है, कितना तेज है, उस पर सारवार का आधार रहता है। अगर बड़ी आंत में क्रोन्स डिजीज है, छाले पड़ते हैं जो ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिकुड़ नहीं जाता है, ये है वो है, तो आप 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड नामक केमिकल यूज़ कर सकते हो जो छोटी आंत में इसलिए काम नहीं करता है कि छोटी आंत में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और किडनी के जरिए तुरंत निकल जाता है। तो बड़ी आंत के क्रोन्स डिजीज़ के लिए 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड एक अच्छी दवा है, वहाँ से शुरू कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं है और जो है वो जानी हुई है। छोटी आंत में अगर क्रोन्स डिजीज है या तो बड़ी आंत में क्रोन्स से जो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप स्टीरॉयड यूज़ करते हो। दो प्रकार के स्टीरॉयड आते हैं, एक सिस्टमिक है जो सभी जगह जाकर असर करता है और दूसरा टॉपिकल है जो आते में ही वो असर कर सकता है, आते में, मुंह में, पेट में, जहाँ जहाँ से वो जाता है वहाँ वो सूजन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये दो काफ़ी प्रचलित दवाइयाँ हैं। अगर बार बार आपको स्टीरॉयड उपयोग करना पड़ता है तो आप एज़ाथियोपिन जैसी इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी दे सकते हो। बच्चों में स्टीरॉयड बार बार देना उसके ग्रोथ पर असर कर सकता है, तो वहाँ दूसरी स्ट्रेटेजी भी आपको अपनानी है। ये दो से आगे जाकर नई दवाई आई है जो जेक इनहिबिटर्स कहते हैं, और उससे आगे जाके बायोलॉजिकल से अभी ये दोनों आपकी इम्यूनिटी को ऑल्टर कर देते हैं और जो सूजन होती है वो होने नहीं देती है। तो आजकल ये भी आए हैं और कुछ किस्सों में बहुत चमत्कारिक फ़ायदा करते हैं, और आशा रखते हैं कि ऐसी नई नई सेफर बायोलॉजिकल्स आती जाए जिसकी वजह से आप अगर बार बार दवाई लेनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेशंस होती है मौजूदा दवाई की, तो आप बायोलॉजिकल्स दे सकते हो। बच्चों में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजिकल्स आप जल्दी से यूज़ करो, क्योंकि स्टीरॉयड देने से बच्चों की ग्रोथ पर असर हो सकता है, तो बायोलॉजिकल्स वहाँ बहुत ज़्यादा राह देखे बगैर दे देना है। चूँकि बायोलॉजिकल्स आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति या तो इम्यूनिटी को ऑल्टर करता है, तो ये आवश्यक है कि आप जितने भी वैक्सीन हो उतने ले लीजिए ताकि बायोलॉजिकल्स कहीं और इन्फेक्शन का बढ़ावा न दे। लास्ट में सर्जरी का रोल।
सर्जरी का मेरे हिसाब से ज़्यादा रोल आजकल नहीं है, खास करके बायोलॉजिकल्स आ जाने के बाद। तो कई बार निदान जल्दी हो जाता है, बायोलॉजिकल से कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन कोई फिस्टुला बन गई है या तो एब्सेस बन गया है या तो किसी कारण से आँत सिकुड़ गया है जो सूजन की दवाई से खुलता नहीं है, तो इन तीन केसों में सर्जरी आती है। आँते को काटना नहीं है, क्योंकि आप बार बार काटते रहोगे तो आँते से जो पोषण होता है वो नहीं होगा। तो सर्जरी का रोल आजकल कम होता जाता है और आशा रखते हैं कि भविष्य में ये और भी कम हो जाए। तो मित्रों, मैं ये कह सकता हूँ कि क्रोन्स डिजीज एक समय ऐसा था कि जहाँ लोग डर जाते थे कि यार क्रोन्स डिजीज हुआ, मेरी लाइफ गई, लेकिन बायोलॉजिकल्स आने के बाद और त्वरित निदान होने के कारण से क्रोन्स डिजीज का कंट्रोल अच्छी तरह हो पा रहा है। और आप उसके अनुभवी फिजिशियन से ज़रूर मिलिए, वो अगर आवश्यकता हुई तो सर्जन से भी मिलवा देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज गोड़ा।